हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट आपको नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है कि डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो। और ये आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपली कहा है कि आप फाइंड करिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कहे कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो प्रोसीजर सबका सेम होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहेगा कि टर्मिनल ए एंड बी के बीच में आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए या फिर बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए या फिर बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो वैसे केस में तीनों स्टेटमेंट सेम होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो उसको हम करते हैं शॉर्ट सर्क्यूट, जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो उसको हम करते हैं ओपन सर्क्यूट, और कोई भी अगर डिपेंडेंट सोर्स मौजूद हो इस नेटवर्क में तो उसको एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। ओके, ये होता है हमारा स्टेप वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले। लेकिन क्वेश्चन में टर्मिनल गिवन ना हो, यानी कि टर्मिनल ए एंड बी की बात नहीं किया गया हो, सिर्फ कहा हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, वैसे केस में आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सिंपली कहा है तो इसका मतलब यही है कि जो भी सोर्स, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, जो नेटवर्क में मौजूद हैं वो अपने अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फील कर रहा है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए। तो ऐसे केस में आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट नहीं करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्क्यूट नहीं करेंगे। यानी कि जो प्रोसीजर आप नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में करते हैं या फिर थेवेनिन्स में करते हैं वैसा आप नहीं करेंगे यहाँ। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर कोई दो टर्मिनल आपको गिवन हो, सपोज यहाँ पे टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी दे दिया हो और पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से इस टर्मिनल से जब आप इस नेटवर्क को देखोगे तब आप कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाओगे। ऐसे केस में आप फिर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट करोगे, करंट सोर्स को ओपन करोगे और डिपेंडेंट को आप वैसे ही रहने दोगे जैसा कि आप नॉर्टन और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में आप करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अब, फिर फाइंड आउट करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप देखिए 1 ओम एंड 1 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0.5 ओम। ओके, और ये 0.5 ओम का टर्मिनल एक यहाँ पर है लाइक दिस। ओके, और फिर यहाँ से 1 ओम इधर कनेक्टेड है, दिस इज 1 ओम अप टू हियर। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में 2 ओम है, तो हियर 2 ओम। यहाँ से वोल्टेज सोर्स की तरफ 2 ओम कनेक्टेड है, तो 2 ओम इज हियर एंड हियर वोल्टेज सोर्स वी, इसी के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से 4 ओम कनेक्टेड है तो हमने लिख दिया यहाँ 4, और यहाँ पे 3 ओम कनेक्टेड है तो दिस इज 3। ओके, नाउ ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप इसको लिख सकते हो 1.5 ओम। अब देखिए ये 1.5 ओम इस 2 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि कितना होगा इक्विवेलेंट इसका, 2 पैरेलल विथ 1.5 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3.5, यानी कि ये हो जाएगा 0.857 ओम।
तो हम इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं 0.857 ओम से। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखिए, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 0.857 से। अब ये 3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। यानी कि इन दोनों को हम एक सिंगल रेसिस्टेंस 3.857 से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। और ये 3.857 इस 4 ओम के साथ पैरेलल में है, यानी कि कितना होगा इसका इक्विवेलेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.964 ओम। यानी कि हम रिप्लेस करेंगे 1.964 ओम के रेसिस्टेंस से। तो यहाँ देखिए, हमने इसको रिप्लेस कर दिया कितने से, 1.964 ओम से, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 2 ओम रेसिस्टेंस एंड दिस रेसिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट जो फाइनली हमें मिलेगा वो होगा 3.964 ओम, ओके। और यही हमारा आंसर होगा, 3.9 समथिंग है, इसलिए हम इसे 4 ओम लिख सकते हैं और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेसिस्टेंस इन ओम बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्क्यूट। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर दो टर्मिनल गिवन हो और कहे कि टर्मिनल ए एंड बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, या फिर टर्मिनल एक्स एंड वाई, व्हाट एवर बी द नेम, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में आप नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए, वैसे केस में आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे, करंट सोर्स को ओपन करोगे। तो इस क्वेश्चन पे देखिए, दो टर्मिनल गिवन है, टर्मिनल ए एंड बी। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कि इस वोल्टेज सोर्स को जो 20 वोल्ट गिवन है, इसको हम शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, हमने इसे शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट करने के बाद यहाँ से ये दिख रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 4 × 8 डिवाइडेड बाय 4+8 यानी कि 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.667 ओम, ओके। यहाँ से इस पूरे पोर्शन को हम रिप्लेस करेंगे 2.667 ओम के रेसिस्टेंस से, यानी कि इस होल पोर्शन इज रिप्लेस्ड बाय 2.667 ओम। तो अब यहां से देखिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि नॉर्टन रेसिस्टेंस कितना हुआ, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 2+2.667 यानी कि 4.667 ओम आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है कि टू वायर्स ऑफ सेम रेसिस्टिविटी हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स टू द एरिया ऑफ द अदर, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर दैट हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द अदर वायर इज 20 ओम्स। यानी कि क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो वायर हैं, तो यहाँ हम मान लेते हैं दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी। फिर कहता है कि दोनों वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो सेम है, इसकी रेसिस्टिविटी हमने मान लिया रो, इसकी भी रेसिस्टिविटी इज रो। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों वायर का लेंथ सेम है, यानी कि यदि इसका लेंथ एल है तो वायर बी का भी लेंथ L होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स टू द अदर, ओके। तो हम मानते हैं कि दूसरे वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो फर्स्ट वायर का कितना होगा, 2 टाइम्स यानी कि 2A, ओके। लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि जो अदर वायर है उसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो पूछता है कि लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो वायर है यानी कि वायर A, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। जैसा कि हमें पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया इन केस ऑफ वायर ए, तो इसका रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस, आर विल बी इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है कि
कि व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब ए फॉर द सर्किट गिवन बिलो। नीचे जो सर्किट गिवन है उसमें दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, दिस इज बल्ब ए एंड दिस वन इज बल्ब बी। बल्ब ए 100 वॉट पावर ड्रॉ करता है और बल्ब बी 10 वॉट पावर ड्रॉ करता है। ओके, चूंकि दोनों बल्ब में सेम करंट फ्लो कर रहा है आई, जो कि 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से डिलीवर हो रहा है, तो मैं इसको दो अप्रोच से बताऊंगा। फर्स्ट अप्रोच इसका ये है, जैसा कि आप सोचते होगे और सिंपली जैसा कि आप करोगे, कि बल्ब ए का पावर आई स्क्वायर आर ए गिवेन है 100 वॉट, और फिर आई स्क्वायर आर बी बल्ब बी का जो पावर गिवेन है दैट इज 10 वॉट। ओके, यहां से आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिएगा बल्ब ए का, जो कि आएगा 100 अपॉन आई स्क्वायर, और यहां से आप बल्ब बी का रेसिस्टेंस फाइंड आउट करोगे जो कि होगा 10 अपॉन आई स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे कि टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करोगे अक्रॉस 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, तो आर ए प्लस आर बी आप फाइंड आउट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 100 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 10 अपॉन आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस आर ए है और इसका रेसिस्टेंस आर बी है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसमें सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, फिर आप क्या करोगे कि आर ए प्लस आर बी को अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20 वोल्ट, है ना, जो कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। यही तरीका आप फॉलो करोगे, तो इसके लिए देखिए आर ए प्लस आर बी इंटू आई अगर आप करोगे यहाँ से, तो आपको मिलेगा 100 अपॉन आई प्लस 10 अपॉन आई इज इक्वल टू 20, ये आपको मिलेगा इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि करंट विल बी इक्वल टू 5.5 एम्पीयर। यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल गई। फिर आप क्या करोगे, आपको बल्ब ए का रेसिस्टेंस चाहिए, तो क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, यानी कि 5.5 का होल स्क्वायर, तो आपको यहां से आंसर मिलेगा 3.3 ओम, और आप मार्क करोगे ऑप्शन सी। ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच। दिस इज सेकंड अप्रोच। पावर की वैल्यू क्या होती है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर इस दोनों बल्ब को देखिए, बल्ब ए और बल्ब बी में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये आई इसमें भी फ्लो कर रहा है और सेम आई बल्ब बी में भी फ्लो कर रहा है। ओके, जब दोनों का करंट सेम हो, यानी कि आई की वैल्यू सेम हो, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा। यहाँ पर जो पावर की रेटिंग दी हुई है दैट इज 100 वॉट एंड 10 वॉट, यानी कि बल्ब ए का पावर बल्ब बी से 10 टाइम्स है, लेकिन करंट की वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि बल्ब बी का रेसिस्टेंस आर होगा तो बल्ब ए का रेसिस्टेंस 10 टाइम्स होगा, यानी कि 10 आर होगा, तभी तो पावर का 10 टाइम्स होना पॉसिबल है। जब आप ऐसा कहोगे कि बल्ब ए का रेसिस्टेंस बल्ब बी से 10 टाइम्स है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि बल्ब ए का जो वोल्टेज होगा वो बी से 10 टाइम्स होगा। यदि बल्ब बी का वोल्टेज है, यदि बल्ब बी के अक्रॉस का वोल्टेज है वी, तो बल्ब बी के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 10 वी। तो अब यहाँ से देखिए, चूंकि ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, इसलिए बल्ब बी के अक्रॉस का वोल्टेज और बल्ब ए के अक्रॉस का वोल्टेज दोनों अल्जेब्रिकली ऐड होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि 20 वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी प्लस 10 वी इज इक्वल टू 20। यहाँ से जब आप वी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 20 अपॉन 11 वोल्ट। तो अब आप बताइए कि बल्ब ए के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो कितना है, दैट इज 10 वी, यानी कि 10 इंटू 20 अपॉन 11, यानी कि 200 अपॉन 11 वोल्ट। तो बल्ब ए के अक्रॉस इतना वोल्टेज है। यहां से डायरेक्टली हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बल्ब ए का, वो कितना होगा, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब ए विल बी इक्वल टू
वोल्टेज अक्रॉस बल्ब ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बल्ब ए, वी स्क्वायर बाय पी करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करिए वी ए का स्क्वायर यानी कि 200/11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पावर जो कि है 100 वॉट। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 3.3 ओम। ओके, दोनों अप्रोच में जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करिएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरड फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो यहाँ से देखिए 20 माइक्रोफेरड और 30 माइक्रोफेरड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 माइक्रोफेरड। अब ये जो 12 माइक्रोफेरड आया है वो 20 माइक्रोफेरड यानी कि C3 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 12 + 20 यानी कि 32 माइक्रोफेरड। नाउ कैपेसिटर C4 और C5 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका 10 और 10 यानी कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 माइक्रोफेरड। तो फाइनली जो हमें सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, ये होगा 32 माइक्रोफेरड और सीरीज विथ 5 माइक्रोफेरड। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 32 × 5 डिवाइडेड बाय 32 + 5 यानी कि आपको मिलेगा 4.32 माइक्रोफेरड। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अ लैम्प रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 200 वॉट, यानी कि इसका रेसिस्टेंस पूछा है। आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी कि वोल्टेज जो गिवन है 220, तो हम लिखेंगे 220 × 220 डिवाइडेड बाय पावर 200। ओके, यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिलेगा 242 ओम। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पे टर्मिनल एक्स और टर्मिनल वाई दिए हुए हैं, यानी कि इसके अक्रॉस आप फाइंड आउट करिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, फिगर देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सिर्फ एक बार सीरीज करोगे एक बार पैरेलल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 4 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कितना होगा 4 + 2 ये हो जाएगा 6 ओम, और ये 6 ओम और ये 8 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितना होगा 6 × 8 डिवाइडेड बाय 6 + 8 यानी कि आपको मिलेगा 3.428 ओम। ओके, अब ये जो है 3.428 ओम ये इस 10 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो आप इक्विवेलेंट लिखोगे कितना 10 + 3.428 यानी कि 13.428 ओम। ये 13.428 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो कितना होगा इक्विवेलेंट 13.428 मल्टीप्लिकेशन विद 6 डिवाइडेड बाय 13.428 + 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 4.147 ओम। नाउ ये जो 4.147 ओम आया ये इस R5 के साथ यानी कि 8 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए यानी कि होगा 12.147 ओम। अब ये जो है 12.147 ओम ये R4 के साथ यानी कि ये 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 12.147 मल्टीप्लिकेशन विद 6 डिवाइडेड बाय 12.147 + 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.016 ओम। नाउ ये जो रेसिस्टेंस आया ये R3 के साथ यानी इस 2 ओम रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, इक्विवेलेंट होगा 6.016 ओम। अब यह 6.016 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है,
है ना। तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप सिंपली इसको 6.016 को यदि आप 6 ओम लिख देते हैं, तो ये 6 ओम और R2 वाला 6 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 3 ओम। ओके, अब ये 3 ओम और R1 4 ओम, ये वाला 4 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 + 4 ओम यानी कि 7 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है कि व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ 2 ओम सिलिंड्रिकल वायर व्हेन द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज 10 मीटर एंड 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि इस क्वेश्चन में गिवेन है आर इज इक्वल टू 2 ओम, लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.4 मीटर। यहाँ से आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ द वायर इज 0.2 मीटर, और जब रेडियस 0.2 मीटर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 0.2 × 0.2। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 0.1256 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आपको पूछा है रेसिस्टिविटी, जैसा कि हम जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से आप रो की वैल्यू लिखोगे, रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 2 × 0.1256 / 10 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपको रो की वैल्यू मिलेगी 0.02513 ओम मीटर, जो कि रेसिस्टिविटी का यूनिट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि डिटरमिन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन सर्क्यूट। यानी कि यहाँ जो दो टर्मिनल गिवन है, टर्मिनल ए एंड बी, इसके अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मौजूद हों उन्हें आप शॉर्ट सर्किट करोगे, जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मौजूद हो उन्हें आप ओपन सर्क्यूट करोगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, मैंने इसे शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया। दूसरी साइड भी वोल्टेज सोर्स गिवन है, मैंने इसे भी शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया। तो अब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बन के आएगा, यहाँ देखिए 3 रेसिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं 2 ओम ईच, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 2/3 ओम। यहाँ भी देखिए 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में 2 ओम ईच, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3 ओम। यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 2/3 ओम एंड हियर 2/3 ओम। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्क्यूट, इस साइड भी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्क्यूट, यहाँ पर ये है टर्मिनल हमारा ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी। यहाँ से आप देखिए 2/3 ओम और ये 2/3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा 2/3 / 2, यानी कि कितना होगा आंसर 0.33 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि डिटरमिन द पावर डिसिपेटेड इन वॉट बाय द 6 ओम रेसिस्टर इन द गिवन सर्क्यूट, यानी कि जो 6 ओम का रेसिस्टर है इसमें कितना पावर ड्रॉप होगा। ये इस नेटवर्क में दो सोर्स लगे हैं, एक 2 एम्पीयर का करंट सोर्स एंड दिस वन इज 6 एम्पीयर का करंट सोर्स। ओके, जब यहाँ पर दो सोर्स लगे हैं तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि हम यहाँ पर सुपर पोजिशन यूज कर लें, है ना। फिर आप सोच सकते हो कि एक नोड ये रहा और एक दूसरा नोड ये रहा, इन दोनों नोड पे आप केसीएल लगा लो। तो केसीएल लगाने से क्या होगा, इस नोड पर का वोल्टेज मिल जाएगा, सपोज V1 मिल गया, और इस नोड पर का वोल्टेज आपको मिल गया V2। और जब दोनों वोल्टेज मिल गए तो इसके बीच फ्लो होने वाले करंट मिल जाएंगे आपको, और जब करंट मिल गया तो आप पावर निकाल लोगे। तीसरा तरीका आपके माइंड में ये आ सकता कि हम यहाँ पे KVL लगा लें, तो इस केस में आप KVL नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको इस करंट सोर्स जो कि 6 एम्पीयर का है और एक दूसरा करंट सोर्स जो कि ये 2 एम्पीयर का है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो आपको पता नहीं है।
दिस वोल्टेज इज अननोन एंड दिस वोल्टेज इज ऑल्सो अननोन। और जब किसी करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज गिवन ना हो तो आप केवीएल यहाँ पे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट तरीका जो आपके माइंड में ये आ सकता है कि जब हम केवीएल यहाँ नहीं लगा सकते तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो हमें नॉर्टन मॉडल दिख रहा है, इस नॉर्टन मॉडल को हम थेवेनिन्स में कन्वर्ट कर लें, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप इस करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। और सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे अपनाओगे, फिर नेटवर्क बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और वैसे केस में आप केवीएल यूज करोगे, फिर आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ से पावर निकाल लोगे, ओके। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके को। तो देखिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, चूंकि ये 2 एम्पीयर का करंट का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो इसलिए यहाँ पे होगा प्लस और दिस इज द माइनस। ये होगा वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, और वोल्टेज कितना होगा इसका, 2 × 3, यानी कि दिस इज 6 वोल्ट। इसके सीरीज में 3 ओम का रेसिस्टर होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस करंट सोर्स को हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट सोर्स देखिए, जो 6 एम्पीयर का करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टर है 1 ओम का। इसको हम जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर की साइड है इसलिए, और इसके सीरीज में 1 ओम का रेसिस्टर होगा। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू होगी 6 × 1, यानी कि 6 वोल्ट। तो अब एक 6 ओम का रेसिस्टर जो बचा हुआ है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो दिस इज 6 ओम, ओके। और ये हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेटवर्क आ गया। नाउ अब इस नेटवर्क में हम केवीएल यूज करेंगे, और केवीएल यूज करने के बाद हम यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रहा हो तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 एम्पीयर, बिकॉज इस नोड का वोल्टेज है 6 वोल्ट और इस नोड का भी वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो इसका मतलब कि इस पूरे ब्रांच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं किया होगा, यानी कि आई विल बी 0। बिना केवीएल लगाए हुए भी आप यहां पे करंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, और जब करंट ही 0 है तो इस 6 ओम के रेसिस्टर में कितना पावर ड्रॉप होगा, तो 0 वॉट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। नाउ अब देखिए दूसरा अप्रोच, जो कि है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप कहोगे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, करंट कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, बट पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं होता है, ओके। तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमें पावर फाइंड आउट करना है, तो फिर आप सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम पावर कैलकुलेशन के केस में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम करंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन के थ्रू, ओके। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि बाय यूजिंग सुपरपोजिशन हम करंट को कैलकुलेट करेंगे कि इस 6 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ओके। और करंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम पावर लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 एम्पीयर वाले करंट सोर्स को हम एक्ट कराएंगे, और 6 एम्पीयर का करंट सोर्स इसे हम करेंगे ओपन सर्किट। जब इसे हम ओपन सर्किट करेंगे तो ये 6 ओम का रेजिस्टर और ये 1 ओम का रेजिस्टर बोथ विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है 2 एम्पीयर का करंट सोर्स जो कि एक्ट करेगा, एंड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इस 6 ओम के रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इसे मानते हैं I1, तो I1 कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू 3/7+3, यानी कि 10 मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि हो जाएगा 0.6 एम्पीयर। 0.6 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ओके। यानी कि मैं यदि इस ओरिजिनल नेटवर्क में मार्क करूं तो I1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ही आएगा, एंड दिस वन इज 0.6 एम्पीयर। नाउ ये जो 6 एम्पीयर का करंट सोर्स है, अब इसे हम एक्ट कराएंगे
और जो सेकेंड वाला सोर्स है दिस 2 एम्पीयर करंट सोर्स, इसे हम करेंगे ओपन सर्किट। तो देखिए हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस 6 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से आप करंट डिवीजन रूल लगाइए और आपको मिलेगा I2। सपोज I2 का डायरेक्शन हमने कुछ इस तरीके से लिया, तो आपको मिलेगा I2 विल बी इक्वल टू 1/1+9 मल्टीप्लाई विथ 6, यानी कि 6/10, यानी कि 0.6 एम्पीयर। ये जो I2 का डायरेक्शन है उसे हम इस ओरिजिनल सर्किट में मार्क करते हैं, तो I2 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इधर होगा 0.6 एम्पीयर। ओके, तो अब आप इस 6 ओम के रेजिस्टर को ध्यान से देखिए, इसमें 0.6 एम्पीयर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और 0.6 एम्पीयर करंट इस डायरेक्शन में, यानी कि जो नेट करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगा 0 एम्पीयर। और जब इस रेसिस्टर में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो पावर डेसिपेटेड विल बी 0। सो बाय यूजिंग सुपर पोजिशन हमने यहाँ पे सबसे पहले करंट फाइंड आउट कर लिया, और जब हमें करंट मिल गया तो उसकी हेल्प से हम इसमें होने वाले पावर ड्रॉप को कैलकुलेट कर लिया। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने आपको 2 अप्रोच बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिएगा। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो। यानी कि जो 60 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उससे कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 20 ओम का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 ओम। यहाँ पर 2 10 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 ओम। ओके, तो इस सर्किट को हम यदि रीड्रॉ करें तो कुछ इस तरह होगा ये सर्किट। यहाँ पर देखिए अब ये 10 ओम का रेसिस्टर इस 20 ओम के रेसिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसे लिखेंगे 30 ओम। नाउ दिस 30 ओम एंड दिस 40 ओम रेसिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट विल बी 40 × 30 डिवाइडेड बाय 40+30, यानी कि 70। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 17.143 ओम। ओके, यानी कि इस पूरे रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 17.143 ओम। ओके, तो ये 17.143 ओम इस 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा 17.143 + 5 ओम, यानी कि 22.143 ओम। ओके, तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसमें हमें फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू। आई विल बी इक्वल टू 60 / 22.143 ओम। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.71 एम्पीयर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है कि व्हाट विल बी द नॉर्टन्स रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन सर्किट बिलो। यानी कि यहाँ जो टर्मिनल ए है और यहाँ जो टर्मिनल बी है, इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट विल बी व्हाट। ओके, जब दो टर्मिनल गिवन है और इसके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यानी कि यहाँ पे 30 वोल्ट गिवन है, इसे हम करेंगे शॉर्ट सर्क्यूट। ओके, तो यहाँ देखिए अब जैसे ही हमने इसे शॉर्ट सर्क्यूट किया लाइक दिस, तो ये 2 ओम का रेसिस्टर एंड ये 2 ओम का रेसिस्टर एंड ये 2 ओम का रेसिस्टर, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 2/3 ओम। ओके, तो हम फिर इस सर्किट को अब रीड्रॉ करते हैं। हाँ, रीड्रॉ करने से पहले एक और देख लो, यहाँ पर ये दोनों 2 ओम के जो रेसिस्टर हैं इसका इक्विवेलेंट होगा
वन ओम। ओके, तो अब रीड्रॉ करते हैं इस सर्किट को, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो कि 2/3 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप इसे ऐड करोगे, उसके बाद फिर 2 के साथ पैरेलल में है, उसके बाद फिर 2 के साथ सीरीज में होगा, फिर इस 1 ओम रेसिस्टर के साथ पैरेलल में होगा, फिर इस 2 ओम रेसिस्टर के साथ सीरीज में होगा। तो आप इस तरीके से सीरीज पैरेलल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा उससे, वो क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्टार कनेक्शन दिख रहा होगा, दिस इज स्टार कनेक्शन। तो इस स्टार कनेक्शन को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्जन इजीली इसलिए होगा क्योंकि इसमें तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, और जब तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, अगर 2 ओम यहाँ है, 2 ओम यहाँ है और 2 ओम यहाँ है, तो इसको यदि हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 6 ओम हियर, 6 ओम हियर एंड 6 ओम हियर। ओके, मैं यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो करूँगा। नाउ यहाँ से आप देखिए कि ये जो स्टार कनेक्शन है इसे हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हमारा सर्क्यूट, दिस विल बिकम 6 ओम, और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे 6 ओम। ओके, एंड दिस विल बिकम 6 ओम। ओके, यहाँ से अब देखिए कि ये 6 ओम और ये 2/3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.6 ओम। ओके, और यहाँ पर देखिए ये 6 ओम और 1 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6/7 ओम। ओके, नाउ यहाँ से देखिए ये 0.6 ओम और ये 6 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप इसको सीरीज में जब कनेक्ट करोगे तो टोटल इक्विवेलेंट लिखोगे 6.6 ओम। ओके, और ये 6.6 ओम ये 6/7 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। जब आप इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा 66/87 ओम। ओके, अब ये 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तब आप फाइनली आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या करोगे, 2+66/87 ओम, यानी कि फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा 2.7586 ओम। ओके, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I4 फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। इसमें ये जो करंट है I4, इसकी वैल्यू पूछी है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली KCL अप्लाई करोगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके लिए देखते हैं कि I4 को कैलकुलेट करने से पहले हम 2 और करंट को फाइंड आउट करते हैं, एक है I3 जो कि अननोन है, और एक है I7, ये भी अननोन है। ओके, तो I3 के लिए हम देखते हैं, जब आप इस नोड पे KCL लगाओगे, I1+I2 बराबर कितना हो जाएगा, आउटगोइंग करंट I3 के बराबर, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, है ना। तो I3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1+3 यानी कि 4 एम्पियर। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है I7, तो हम इस नोड पर KCL जब हम लगाएंगे, यहाँ से हमें दिख रहा है कि I8 और I9 ये दोनों आउटगोइंग करंट हैं इस नोड के लिए, तो दोनों आउटगोइंग करंट का जो एडिशन हुआ वो है 2 एम्पियर। ओके, और इसमें I7 इज इनकमिंग करंट, सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I7 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। ओके, अब इस नोड पर आप नोड एक्स पर यदि KCL लगाओगे तो टोटल इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, इनकमिंग करंट है I3 एंड I4। ओके, तो I3 की वैल्यू आपको पता है जो कि है 4 एम्पियर, तो आप 4 लिखोगे, प्लस I4 जो कि अननोन है। ओके, ये दो करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट है I5, I6 और I7,
इसलिए यहाँ पर लिखिए I5 यानी कि 2 एम्पियर, I6 यानी कि 1 एम्पियर एंड I7 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। तो 4 प्लस I4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो यहाँ से आपको I4 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बिकम 1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि डिटरमिन द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बाय एन 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। तो एज वी नो, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू, इंडक्टर की वैल्यू है 8 हेनरी, सो 8, एंड द करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर, यानी कि 4 × 4। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 64 जूल, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द लोड रेसिस्टेंस फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, यानी कि ये जो लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम का, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? इट मींस I इज इक्वल टू व्हाट? ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को आप सिंपली KCL यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही आसान पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल होगा, और यदि आप चाहो तो इसमें मिलमेल्स थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और जब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो वैसे केस में हम मिलमेल्स थ्योरम यूज करते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप KCL यूज करो, मिलमेल्स थ्योरम यूज मत करो, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी होगा। फिलहाल हम इसे KCL की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि इस नोड का वोल्टेज V है। ओके, यहाँ पर KCL यूज करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि KCL के लिए मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दिस नोड V विल बी इक्वल टू 0। ओके, हम यहाँ पे आउटगोइंग करंट लेकर चल रहे हैं। तो अब देखिए इक्वेशन कैसा बनेगा, V माइनस 9 ये वोल्टेज वाला डिवाइडेड बाय 3 ये इसका आउटगोइंग करंट होगा, फिर V माइनस 12 ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 7 ये आउटगोइंग करंट होगा, V माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इसका आउटगोइंग करंट होगा, V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 ये इसका आउटगोइंग करंट होगा, एंड V डिवाइडेड बाय 8 वो ये करंट होगा I। तो यहाँ से देखिए KCL का इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि सारे ब्रांच का आउटगोइंग करंट फ्रॉम दिस नोड विल बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको V की वैल्यू कुछ मिलेगी। जब आपको V की वैल्यू मिल गई तब आप इस I करंट को कैलकुलेट करने के लिए लिखोगे I विल बी इक्वल टू V बाय 8। ओके, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 1.21 एम्पियर। ओके, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, वेयर इज 10 ओम, ये है, यानी कि इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताइए। If a source of 8 volt with internal resistance 1 ohm is connected at terminal PQ, यानी कि इस टर्मिनल पे एक 8 volt का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो रहा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है, उसको कनेक्ट करने के बाद इस 10 ohm के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, ये है हमारा क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है कि जब आप वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करोगे तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी की साइड होगा, यानी कि हियर, ये होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो 8 वोल्ट आप इसमें कनेक्ट करोगे। ओके, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने से पहले
मैं इस नेटवर्क को थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि यहाँ पर एक हमें नॉर्टन मॉडल दिख रहा है, यानी कि एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है, इसको हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखिए कि कैसा होगा हमारा सर्किट। ये है हमारा मॉडिफाइड सर्किट जिसमें मैंने 3 एम्पीयर के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, जिसकी वैल्यू है 15 वोल्ट, एंड 5 ओम का रेसिस्टर एक सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, और ये पहले वाला 5 ओम रेसिस्टर है और यहाँ पे 10 ओम रेसिस्टर है। ये है आपका टर्मिनल पी एंड दिस वन इज क्यू। अब जो क्वेश्चन में कहता है कि हम इसमें 8 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका कि पॉजिटिव टर्मिनल पी की साइड है। दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज 8 वोल्ट। ओके, और इस वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया 1 ओम। ओके, लेकिन यदि करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब हमारा फाइनल सर्किट कुछ इस तरीके से बना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस 10 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि I इज इक्वल टू वॉट। तो इसके लिए आप कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 सोर्स लगे हुए हैं, एक 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और दूसरा 8 वोल्ट का है। तो 2 सोर्स लगा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर सुपर पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आप कौन सा अप्लाई करोगे, यहाँ पर आप KVL यूज कर सकते हैं, या फिर तीसरा आप यहाँ पर KCL भी यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर KCL यूज करूँगा। ओके, ये 2 मेथड यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई भी कर लेना। तो अब इस नोड पर हम KCL अप्लाई करते हैं। तो सपोज इस नोड का वोल्टेज इज V, तो जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको V की वैल्यू मिलेगी 95/12, यानी कि 7.916 वोल्ट। ओके, यानी कि इस नोड पर का जो वोल्टेज आपको मिलने वाला है वो है 7.916 वोल्ट। और जब पूछा है आपसे कि इस ब्रांच में यानी कि 10 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, तो कितना होगा, V/10। तो यहाँ करते हैं I=V/10, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.7916 एम्पीयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, यानी कि यहाँ जो करंट आई मार्क किया हुआ है इसकी वैल्यू इसने पूछा कि कितनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 सोर्स लगा हुआ है, एक 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 20 एम्पीयर का करंट सोर्स है और तीसरा 30 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। और जब 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेस मौजूद हों एक सर्किट में, तब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बट 3 सोर्स है इसलिए ये बहुत ही लेंथी होगा, तो इसे अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर KCL यूज करूँगा, यहाँ का वोल्टेज मान लेता हूँ, वोल्टेज इज V। ओके, और इस नोड पर KCL अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये रहा हमारा KCL का इक्वेशन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू मिलेगी 60 वोल्ट। जब V की वैल्यू 60 वोल्ट मिल गई, यानी कि इस नोड पर 60 वोल्ट है, तो 6 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई विल बी इक्वल टू 60/6 ओम, यानी कि आंसर विल बी इक्वल टू 10 एम्पीयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि क्या आप इसमें KVL अप्लाई कर सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप KVL को अप्लाई कर रहे हो
तो ये वाला ब्रांच जिसमें 20 एम्पीयर का करंट सोर्स है, आप उसे इंक्लूड मत करना। ओके, यानी कि केवीएल के लिए जो आप ब्रांच चूज करोगे वो एक ब्रांच ऐसे चूज कर लेना और दूसरी ब्रांच ऐसे चूज कर लेना, ये, या फिर एक ब्रांच ऐसे चूज कर लेना और एक ये वाली ब्रांच चूज कर लेना। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे केवीएल यूज कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे सुपर पोजिशन भी यूज कर सकते हो, केवीएल भी यूज कर सकते हो और केसीएल भी यूज कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेसिस्टेंस फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। यानी कि यहाँ जो 8 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है इसमें से कितना करंट फ्लो होने वाला है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि ये जो 36 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है, यानी कि इस करंट की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लो। उसके बाद इस नोड पर से आप करंट डिवीजन रूल लगा देना, आपको मिल जाएगा कि 8 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें इस I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि 4 ओम और ये 4 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 ओम, और यह 8 ओम और ये 8 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम, यानी कि हम इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस कर सकते हैं विद 4 ओम रेसिस्टर। ओके, अब ये 4 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी 6 ओम। चूंकि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है 36 वोल्ट, इसलिए करंट आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 6 दिस विल बी इक्वल टू 6 एम्पीयर। ओके, यानी कि ये जो करंट है आई, यहाँ तक 6 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब ये 6 एम्पीयर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाएगा इस 8 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू और दूसरा करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा। ओके, तो जब हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ से देखते हुए कि ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, चूंकि दोनों रेसिस्टर बराबर हैं इसलिए करंट बराबर बराबर डिवाइड होगा, यानी कि इस ब्रांच में भी जाएगा 3 एम्पीयर और 8 ओम रेसिस्टर वाले में भी जाएगा 3 एम्पीयर। तो यही तो हमसे पूछा है कि 8 ओम रेसिस्टर में बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, तो कितना आंसर आया, 3 एम्पीयर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि यहाँ जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का आप वोल्टेज बताइए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से देखिए 2 ओम रेसिस्टर, 2 ओम रेसिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.5 ओम। यहाँ से 0.5 ओम मिल गया हमें और ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो होगा ये 2 ओम। नाउ ये 2 ओम और ये 0.5 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेसिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। यानी कि हम इस सर्किट को सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 एम्पीयर का एक करंट सोर्स है और उसके साथ एक 2.5 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है। ओके, तो अब आप बताइए कि इस 3 एम्पीयर के करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। V विल बी इक्वल टू I इंटू आर, आई की वैल्यू है 3 एम्पीयर, R की वैल्यू है 2.5, तो कितना होगा वोल्टेज, वोल्टेज विल बी 7.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ओम्स बिटवीन द पॉइंट X एंड Y फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है पॉइंट X और ये पॉइंट Y,
इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके तो इसके बैक साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 ओम। ओके नाउ ये 6 ओम और ये 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो होगा 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी कि 9। तो इसका जो इक्विवेलेंट होने वाला दैट विल बी 2 ओम। ओके अब ये 2 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अब ये होने वाला है 4 ओम, और ये जो 4 ओम होगा वो इसके साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों 4 ओम का रेसिस्टर जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, यानी कि हम यहाँ पर 2 ओम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके नाउ लास्ट स्टेप जो कि ये 2 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ये कहता है कि डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड इन वॉट बाय द करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ओम और ये 2 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हो जाएगा 4 ओम, और ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। तो इसलिए हम इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस करते हैं 2 ओम के एक सिंगल रेसिस्टेंस से। ओके नाउ ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 1 ओम तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम। यानी कि इस सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 एम्पीयर का एक करंट सोर्स होगा, इसके साथ कनेक्टेड होगा 5 ओम का रेसिस्टर। ओके यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये 5 ओम का रेसिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से देखिए पावर एब्जॉर्ब बाय दिस 5 ओम रेसिस्टर विल बी इक्वल टू I² × R। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 4 एम्पीयर, यानी कि 4² × R यानी कि 5 ओम। यहाँ से आपको मिलेगा 80 वॉट। ये रेसिस्टर 80 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये करंट सोर्स उतना ही पावर डिलीवर करेगा जितना ये रेसिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स विल बी 80 वॉट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ये कहता है कि डिटरमिन द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर व्हेन द एरिया ऑफ प्लेट इज 10 square centimeters, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 mm एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज 20 pC। ओके तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? उस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। यहाँ देखिए यह कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है वी वोल्ट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और इस कैपेसिटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसके अंदर डायलेक्ट्रिक्स के रूप में एयर हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे εr = 1। प्लेट का एरिया गिवन है दैट इज 10 cm², यानी कि 10 ÷ 10⁴ m². ओके इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो होगा 10⁻³ m². ये है कैपेसिटर के प्लेट का एरिया, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि गिवन है 5 mm, यानी कि 5 × 10⁻³ m। ओके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज q = 20 pC, यानी कि 20 × 10⁻½ coulomb। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, वहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले C विल बी इक्वल टू ε₀ εr A / D,
यानी कि यहाँ पे लिखोगे 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, यह है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इंटू 1, यह है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, इंटू एरिया ऑफ द प्लेट यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय डी यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1.7708 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फेराड। ये है कैपेसिटेंस की वैल्यू। नाउ कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1.7708 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11.29 वोल्ट। ओके, देखते हैं अब ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, शायद ये ऑप्शन सी मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ पर 113 लिखा हुआ है, इसे होना चाहिए 11.3। ओके, यहाँ पर पॉइंट बीच में छूट गया है तो आप ऑप्शन सी को मार्क करिएगा। ओके, 11.3 वोल्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ये कहता है कि फाइंड द करंट इन मिली एम्पीयर फ्लोइंग थ्रू द लोड रेसिस्टर। ओके, यानी कि यहाँ जो गिवन है RL इज इक्वल टू 500 ओम, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि KCL मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जैसा कि इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू मिली एम्पीयर में पूछा है और हमारे पास वोल्टेज जितने भी हैं वो सब वोल्ट में गिवन है और जो रेसिस्टेंस है वो किलो ओम में गिवन है, तो हम KCL कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हमने नोड मान लिया जिसका वोल्टेज है V, तो यहाँ देखिए V माइनस 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर हम 1 किलो ओम की जगह 1000 ओम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है यानी कि ये अंडरस्टूड है कि दिस वन इज 1 किलो ओम, और जब ये रेसिस्टेंस किलो ओम में होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो करंट मिलेगी वो हमारा मिली एम्पीयर में होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। V अपॉन 0.5, यहाँ पर देखिए लोड रेसिस्टेंस जो कि RL है उसकी वैल्यू 500 ओम गिवन है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 0.5 किलो ओम। चूंकि हम सारे रेसिस्टेंस को किलो ओम में लेके चल रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा V अपॉन 0.5। नेक्स्ट प्लस V प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको V की वैल्यू मिलेगी 2.888 वोल्ट। तो अब पूछ रहा है कि इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो लोड करंट IL विल बी इक्वल टू V अपॉन 0.5 किलो ओम। चूंकि हमने रेसिस्टेंस को किलो ओम में लिया है तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी मिली एम्पीयर में। यहाँ से देखिए 2.888 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 5.7778 मिली एम्पीयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बोथ द रेसिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्क्यूट। ये जो 10 ओम का रेसिस्टर है इसके थ्रू करंट और ये जो 20 ओम का रेसिस्टर है इसके थ्रू करंट, ये दोनों करंट को आप फाइंड आउट करिए। इट मींस I1 एंड I2 हमें फाइंड आउट करना है। चूंकि 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस नोड पर का वोल्टेज होगा 20 वोल्ट और यहाँ भी होगा 20 वोल्ट।
ओके, जब इस नोड पर का हमें वोल्टेज पता है 20 वोल्ट, तो I1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? I1 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 ओम, यानी कि होगा 2 एम्पियर। ओके, ये हमें मिल गया I1 की वैल्यू। अब हमें जब I2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी कि 20 ओम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 1.5 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू 1.5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसमें कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड V1 रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्क्यूट बिलो, यानी कि इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप KCL अप्लाई करोगे तो इनकमिंग करंट जो इधर से आ रहा है दैट इज 1 एम्पियर, इनकमिंग करंट जो इधर से आ रहा है दैट इज 3 एम्पियर। तो इस नोड से जो आउटगोइंग करंट होगा विल बी इक्वल टू ऑल इनकमिंग करंट्स, यानी कि 3 + 1 = 4 एम्पियर, यानी कि इस 8 ओम के रेसिस्टर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यहां से आप कह सकते हो कि I1 की वैल्यू होगी 4 एम्पियर, और जब I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है तो V1 विल बी इक्वल टू I1 इंटू R, यानी कि 4 इंटू रेसिस्टर की वैल्यू है 8, आंसर मिलेगा आपको 32 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 एम्पियर एंड 32 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।